हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ललित सोनी, सीनियर बोटनी फैकल्टी CLC सीकर। जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन के इस पीरियड में CLC आपको ऑनलाइन प्रीवियस ईयर्स के जो नीट के पेपर्स है उनका सॉल्यूशन करवा रही है, और इस श्रृंखला के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो है उनका हम सॉल्यूशन करवा चुके हैं। अब बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस नीट 2013 से 2019 तक आए हैं उनका हम टॉपिक वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं, और इस श्रृंखला के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ बोटनी पोर्शन का। तो बच्चों शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, विच ऑफ द फॉलोइंग BT क्रॉप्स इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर्स। निम्नलिखित BT फसलों में से कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा उगाई जा रही है? ब्रिंजल, सोयाबीन, मेज एंड कॉटन। ये बच्चों यहाँ पे चारों एग्जाम्पल जो है ये चारों एग्जाम्पल है BT प्लांट के। लेकिन इंडिया के अंदर जिस BT प्लांट का हम लोग यूज कर रहे हैं वो प्लांट बच्चों है कॉटन। तो अपन कह सकते हैं कि इंडिया में जो फार्मर्स है वो मेनली यूज कर रहे हैं BT कॉटन का, कपास के पादप का BT कॉटन। ओके, अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड इज, सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक कौन सा है? तो बच्चों सिट्रिक अम्ल जो है उसका अच्छा उत्पादक कौन सा है देखते हैं। पहला यहां पे है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम जो है इस क्लोस्ट्रीडियम के द्वारा उत्पादन होता है ब्यूटायरिक एसिड का, न कि सिट्रिक एसिड का। इसके अलावा बच्चों दूसरा ऑप्शन है सेकेरोमाइसिस, जिसे आप लोग कह सकते हैं यीस्ट। ये जो बच्चों यहां पे यीस्ट है इस यीस्ट के द्वारा उत्पादन हो सकता है एथेनॉल का, अर्थात अपन यहां पे कह सकते हैं कि इस यीस्ट के द्वारा उत्पादन जो है वो बच्चों एथेनॉल का होता है, न कि यहां पे सिट्रिक एसिड का होगा। फिर इसके बाद में एस्परजिलस, बच्चों एस्परजिलस जो है इसका पूरा नाम है एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर ये बच्चों यहां पर एक फंजाई है, और इस फंजाई के द्वारा बिल्कुल निर्माण किसका होगा? सिट्रिक एसिड का। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि बच्चों सिट्रिक एसिड का जो अच्छा उत्पादक है वो कौन है? एस्परजिलस है। फोर्थ ऑप्शन बच्चों यहां पे है श्यूडोमोनास। बच्चों श्यूडोमोनास जो है ये बेसिकली एक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया जो है वो जिम्मेदार है नाइट्रोजन साइकिल के अंदर डीनाइट्रिफिकेशन के लिए। मतलब ये नाइट्रोजन का प्रोडक्शन करता है, न कि सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। तो इन दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, एस्परजिलस नाइगर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट बायोगैसेस आर प्रोड्यूस्ड विच इंक्लूड। जल मल के उपचार के दौरान विभिन्न बायोगैस उत्पन्न होती है जिनमें शामिल है हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। नहीं बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये बायोगैस का कंपोनेंट नहीं है। इसके बाद में है हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन और मीथेन। बच्चों नाइट्रोजन जो है वो मेनली बायोगैस का कंपोनेंट नहीं होता है। इसके बाद में मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ये तीनों बच्चों यहां पर ऐसी गैसेस है जो पार्ट है बायोगैस का। तो अपन कह सकते हैं कि बायोगैस का जो कंपोनेंट है वो कौन है? बायोगैस के अंदर जो बच्चों मेन कंपोनेंट है वो मेन कंपोनेंट यहां पे होता है मीथेन। इसके अलावा इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। फोर्थ ऑप्शन बच्चों है मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑक्सीजन इज नॉट द पार्ट ऑफ बायोगैसेस, सो अपन यहां पे कह सकते हैं यहां पे बच्चों फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज थर्ड इन दिस गिवन क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये जो बच्चों यहां पर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अपने सीवेज ट्रीटमेंट से है। सीवेज का जो ट्रीटमेंट है हम करते हैं दो स्टेप के अंदर। सीवेज का जो फर्स्ट स्टेप है ट्रीटमेंट का वो बच्चों है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जैसे आप लोग कह सकते हो फिजिकल ट्रीटमेंट। और सीवेज का जो
ट्रीटमेंट का दूसरा स्टेप है उसे बच्चों हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या उसे हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो अपन कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर जो एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर है उसके अंदर बच्चों कौन सी गैस निकलती है, तो अपन कह सकते हैं मीथेन एंड CO2 ओनली। नहीं बच्चों, मीथेन और CO2 ये तो निकलती है लेकिन साथ में और भी गैस निकलती है, तो यहाँ पे ओनली आने से ये इसका आंसर नहीं होगा। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2, मीथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2, ये बच्चों यहाँ पर बिल्कुल इसका जो है करेक्ट आंसर है। ये तीनों ही गैस जो आप देख रहे हो इस एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर प्रोड्यूस होती है, निकलती है। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन, नहीं बच्चों O2 गैस जो है वो कभी भी एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर से नहीं निकलती, बिकॉज नाम से अंडरस्टूड है एनएरोबिक, तो बच्चों यहाँ पे O2 तो आ ही नहीं सकती। हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2, बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, देखो बच्चों यहाँ पे दो ही कंडीशन है, दो ही गैसेस है, तो बच्चों इस कंडीशन में जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। क्योंकि बच्चों अगर आप यहाँ पर एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर की बात कर रहे हो तो इसकी जो मेन गैस है वो बच्चों मेन गैस यहाँ पर मीथेन है, और देखो बच्चों इस ऑप्शन में मीथेन नहीं है, तो अगर किसी ऑप्शन में मीथेन ही नहीं है तो फिर वो उसका आंसर भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई वैल्यू ऑफ बीओडी, बच्चों बीओडी का मतलब क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाई वैल्यू ऑफ बीओडी इंडिकेट्स दैट बीओडी जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग के उच्च मान से संकेत मिलता है। कंजप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वॉटर इज हायर बाय द माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों द्वारा पानी में कार्बनिक पदार्थ की खपत अधिक है। बच्चों बीओडी जो है, बेसिकली बीओडी किसको शो करता है, अपन एक बार यहाँ पे शॉर्ट में देखते हैं। जैसे अपने पास में ये जो बच्चों आप देख रहे हो, ये यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है और इस वाटर के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है। अब बच्चों होता क्या है कि वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डीकम्पोज करने के लिए अपने को रिक्वायरमेंट किसकी होती है, ऑक्सीजन की। मतलब वाटर के अंदर जो O2 डिसॉल्व है वो O2 कंज्यूम होती है इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डीकम्पोज करने के लिए, और इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डीकम्पोज करने के लिए हमें जितनी O2 की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों उसी O2 को हम लोग क्या बोलते हैं, BOD, उसे हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि कंजप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वॉटर इज हायर बाय द माइक्रोब्स, नहीं बच्चों ये यहां पे करेक्ट ऑप्शन नहीं है। वॉटर इज प्योर, बच्चों हो ही नहीं सकता। बेसिकली जो बीओडी है वो बीओडी ये बताती है कि इस वॉटर के अंदर कितना ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इस वॉटर में जितना ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा उतनी ही ज्यादा उस वॉटर की बीओडी होगी, उतना ही ज्यादा वहां पर पोल्यूशन होगा, तो बच्चों वॉटर प्योर कैसे हो सकता है। वॉटर इज हाईली पॉल्यूटेड, ये बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि जो बीओडी है, अगर बच्चों वो बीओडी उच्च है, अगर बच्चों वो जो बीओडी है वो हाई है, इसका मतलब वहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी ज़्यादा है, और बच्चों अगर वहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज़्यादा है तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ज़्यादा होने का मतलब ये है कि बच्चों वहाँ पॉल्यूशन भी क्या है, ज़्यादा। तो अपन कह सकते हैं कि वॉटर इज हाईली पॉल्यूटेड, ये बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वॉटर इज लेस पॉल्यूटेड, नहीं बच्चों याद रखना, अगर बीओडी हाई है इसका मतलब वहां पर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो भी हाई है, और बच्चों अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हाई है इसका मतलब इस वाटर के अंदर जो पोल्यूशन है ये बच्चों पोल्यूशन भी क्या होगा, ज्यादा। तो बीओडी अगर हाई है इसका मतलब बच्चों पोल्यूशन भी क्या होगा, हाई। तो आंसर हो गया वाटर इज हाईली पोल्यूटेड, पानी अत्यधिक प्रदूषित है। तो बच्चों यहां पर आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन। ओके नेक्स्ट, द गट्स ऑफ काउ एंड बफेलो पजेस, गाय और भैंस की आहार नलियों में निम्नलिखित में से क्या होता है। बच्चों बेसिकली जो काउ एंड बफेलो है उनके जो बच्चों यहाँ पे गट्स है, बेसिकली बच्चों ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है, और जो बच्चों एक्सट्रीम कंडीशन होती है, जो हाईली अनफेवरेबल कंडीशन होती है, बच्चों यहाँ पाए जाते हैं आर्किबैक्टीरिया, और बच्चों आर्किबैक्टीरिया जो है वो देखते हैं कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया। नहीं बच्चों, साइनोबैक्टीरिया जो है वो इस एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर नहीं रह सकता। क्लोरेला स्पीसीज, नो।
फ्यूकस स्पीसीज। नो बच्चों, मिथेनोजन, बिल्कुल ये जो यहां पे मिथेनोजन है, ये मिथेनोजन, ये बच्चों आर्की बैक्टीरिया है। ये कौन है? आर्की बैक्टीरिया। और ये जो बच्चों यहां पे आर्की बैक्टीरिया है, ये आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इन एनिमल्स की गट के अंदर, इस एनिमल की गट्स के अंदर। और बच्चों ये जो यहां पे आर्की बैक्टीरिया है, ये आर्की बैक्टीरिया प्रोडक्शन करता है यहां पर कौन सी गैस का? मिथेन का। तो अपन कह सकते हैं कि इन द गट्स ऑफ काउ एंड बफेलो आर्की बैक्टीरिया मिथेनोजन्स आर प्रेजेंट। और बच्चों इस गट के अंदर ये प्रोडक्शन करता है कौन सी गैस का? ये बच्चों यहां पर मिथेन गैस का प्रोडक्शन करता है। ओके, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? मिथेनोजन्स। ओके, नेक्स्ट, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड्स द, वे आदिम प्राक केंद्र की प्राणी जो रोमन थी जंतुओं के गोबर से बायोगैस उत्पादन के उत्तरदायी होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? तो देखो बच्चों यहां पे घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ लिया, और इस कंडीशन के अंदर जो बच्चों आंसर है वो यहां पे हो गया मिथेनोजन। क्योंकि देखो यहां पर जो मिथेनोजन है, इस मिथेनोजन के द्वारा प्रोडक्शन किसका होता है? CH4 का। और जो बच्चों CH4 है वो है मेन गैस ऑफ बायोगैस, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो गया मिथेनोजन। एक बच्चों यहां पर ऑप्शन में है थर्मो एसिडोफिल, ये जो बच्चों यहां पर थर्मो एसिडोफिल है वो तो उन जगह पर पाए जाते हैं जहां पर हाई टेम्परेचर होता है। यू बैक्टीरिया, बच्चों यू बैक्टीरिया जो है ये नॉर्मल बैक्टीरिया है, वो इस एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते। हेलोफिल्स, ये तो बच्चों वहां पाए जाते हैं जहां पे जो लवणता है, जहां जो बच्चों सैलिनिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर वो क्या हो गया? मिथेनोजन हो गया। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड इन द गिवन टेबल। बच्चों यहां पे कौन सी मैचिंग जो है वो बेसिकली मिसमैचिंग है, देखते हैं। मोनास्कस परप्यूरियस, इसका प्रोडक्ट है स्टेटिन, और इसका एप्लीकेशन है लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। बच्चों बिल्कुल सही बात है, मोनास्कस परप्यूरियस जो है ये बच्चों एक फंजाई है, और इस फंजाई के थ्रू बच्चों प्रोडक्शन किसका होगा? स्टेटिन का। और स्टेटिन जो है ये बच्चों यहां पर एक ऐसा कंपाउंड है जो अपने ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, ये बच्चों अपने ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डिक्रीज करता है। तो बच्चों यहां पर ये बिल्कुल करेक्ट है। स्ट्रेप्टोकोकस से प्रोडक्शन होगा स्ट्रेप्टोकाइनेस का, और स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल। बच्चों बिल्कुल यहां पर एक मैचिंग है, बिल्कुल ये करेक्ट मैचिंग है कि जो यहां पर ब्लड वेसल में क्लॉट्स होते हैं, उन क्लॉट्स को, उन थक्कों को हटाने के लिए हम बच्चों काम में क्या लेंगे? स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी रुधिर वाहिनियों के अंदर जो बच्चों थक्के जम जाते हैं, उन थक्कों को हटाने के लिए हम लोग काम में लेते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस। इसके बाद में है क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम लाइपेज। नो नो नो, अपन कह सकते हैं क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम के द्वारा, इसके थ्रू बच्चों लाइपेज का प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि इसके थ्रू प्रोडक्शन होगा ब्यूटारिक एसिड का। तो देखो बच्चों यहां पर मिसमैचिंग हो गई। रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन, तेल के धब्बों को हटाना, बच्चों बिल्कुल सही बात है। लाइपेज के थ्रू हम लोग जो ऑयल के स्टेन्स है बच्चों, हम इसको हटा तो सकते हैं, लेकिन जो बच्चों लाइपेज है इसका प्रोडक्शन इस क्लॉस्ट्रिडियम के थ्रू नहीं हो सकता। तो यहां पर जो बच्चों मिसमैचिंग है वो आ गया थर्ड ऑप्शन, ये यहां पर सेम माना जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, इसके थ्रू प्रोडक्शन होगा साइक्लोस्पोरिन ए का, बिल्कुल सही बात है। ये है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, बिल्कुल सही है। बच्चों जब भी हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर हम लोगों को जरूरत पड़ती है इम्यूनोसप्रेसिव की, और बच्चों वहां पे हम लोग काम में ले सकते हैं ये साइक्लोस्पोरिन ए, जिसका प्रोडक्शन होता है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से। तो देखो बच्चों यहां पे तीन मैचिंग है, एक बच्चों यहां पर मिसमैचिंग है। आपको मिसमैचिंग पूछिए तो बच्चों यहां पे जो करेक्ट आंसर वो कौन सा हो गया? क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम हो गया। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम एक और कॉलम दो के बीच मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प को चुनिए।
सिट्रिक एसिड। तो बच्चों सिट्रिक एसिड जो है इसका प्रोडक्शन होता है अपने को पता है एस्परजिलस नाइगर से। तो अपन कह सकते हैं कि जो सिट्रिक एसिड है उस सिट्रिक एसिड का जो सही मैचिंग है वो बच्चों क्या हो गया, एस्परजिलस नाइगर हो गया। साइक्लोस्पोरिन ए, बच्चों साइक्लोस्पोरिन जो ए है इस साइक्लोस्पोरिन ए का जो प्रोडक्शन है वो यहां पे होगा ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से। तो बच्चों यहां पे जो ट्राइकोडर्मा है इस ट्राइकोडर्मा से जो प्रोडक्शन है वो किसका होगा, साइक्लोस्पोरिन ए का होगा। उसके बाद में स्टेटिन, स्टेटिन जो है इसका बच्चों प्रोडक्शन होता है मोनास्कस परप्यूरियस से, तो इसकी मैचिंग हो गई फोर्थ। ब्यूटैरिक एसिड, इसका जो बच्चों प्रोडक्शन है वो होता है क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटैलिकम से। अब इसका आंसर हो गया ए में थर्ड ये है, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर इसके बाद में बच्चों बी में आ गया साइक्लोस्पोरिन ए, इसका फर्स्ट यहाँ पे फोर आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। सी में है स्टेटिन, इसका फोर्थ से मैचिंग हो रही है, तो बच्चों फोर्थ से मैचिंग यहाँ पे ये बिल्कुल हो गई, ये नहीं हो सकता। फिर है ब्यूटैरिक एसिड, इसकी बच्चों मैचिंग हो रही है क्लॉस्ट्रिडियम से, मतलब सेकंड से, ये यहाँ पे सेकंड रहा। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बच्चों कौन सा हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास में हो गया ऑप्शन नंबर वन। ओके, फिर इसके बाद में नेक्स्ट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मे नोट बी ए गुड इंडेक्स फॉर पोल्यूशन फॉर वॉटर बॉडीज रिसीविंग इफ्लुएंट फ्रॉम, निम्नलिखित में से किसके बहिस्त्रावों के कारण प्रदूषित होने वाले जल निकायों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग प्रदूषण के लिए एक अच्छा सूचक नहीं है। पहला बच्चों यहाँ पे है डेयरी इंडस्ट्री, फिर है पेट्रोलियम इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक सीवेज। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि बच्चों पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है पेट्रोल वगैरह जो है उनके अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बच्चों बेसिकली पोल्यूशन नहीं है, वो तो उस फ्यूल की एफिशिएंसी के लिए है। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर जो बीओडी है बच्चों वो बीओडी एक तरीके से पोल्यूशन का वर्क नहीं करता है, बल्कि बच्चों वहां पे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस उस फ्यूल की एफिशिएंसी को मेंटेन करते हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट Which of the following in sewage treatment removes suspended solid? देखो बच्चों यहाँ पे sewage treatment की बात हो रही है और sewage का जो treatment है जो बच्चों sewage का treatment है ये दो step में होगा। पहले बच्चों होता है इसके अंदर primary treatment, उसके बाद में होगा secondary treatment। और जो बच्चों प्राइमरी ट्रीटमेंट है इसके दो पार्ट है, एक तो बच्चों यहाँ पे होगा अपने पास में फिल्ट्रेशन। देखो बच्चों बेसिकली ये जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन वगैरह है इस फिल्ट्रेशन के अंदर हम लोग सीवेज में ऊपर की तरफ जो बच्चों एक्सकेटरी सबस्टांस है सीवेज के ऊपर जो बच्चों तैरते रहते हैं हम उसको रिमूव कर लेते हैं। और बच्चों इसका जो सेकेंड पार्ट है वो यहाँ पे है, अपन यहाँ पे कह सकते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन तो बच्चों इस तरीके से अपन कंडीशन देख सकते हैं कि जो बच्चों सेडिमेंटेशन है, जो बच्चों यहाँ पे सेडिमेंटेशन है और जो बच्चों फिल्ट्रेशन है ये सब पार्ट किसके हैं, तो बच्चों ये सब जो पार्ट है वो अपने पास में है एक तरीके से प्राइमरी ट्रीटमेंट के। तो बच्चों याद रखना सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर जो सस्पेंडेड सॉलिड है बच्चों उन सस्पेंडेड सॉलिड को हम लोग बच्चों रिमूव कर लेते हैं कौन से ट्रीटमेंट के थ्रू, प्राइमरी ट्रीटमेंट के थ्रू। तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या आ गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है बच्चों यहाँ पे बेसिकली हम लोग बैक्टीरिया वगैरह का यूज़ करते हैं, और जो स्लज ट्रीटमेंट है ये बच्चों सेकेंड ट्रीटमेंट ही होता है, और जो बच्चों टर्सरी ट्रीटमेंट है वो तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि सीवेज का जो ट्रीटमेंट है वो दो स्टेप में होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्सरी का तो यहाँ पे नाम ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो गया। फिर इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाई देम, मिथेनोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड। नहीं बच्चों मिथेनोबैक्टीरियम जो है
इस मिथेनोबैक्टीरियम से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि मिथेनोबैक्टीरियम से जो बच्चों प्रोडक्शन है वो किसका होता है, वो होता है मिथेन का, वो होता है CH4 का। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम जो है बच्चों इससे प्रोडक्शन एसिटिक एसिड का नहीं होगा, बल्कि बच्चों किसका होता है, पेनिसिलिन का होता है, और जो बच्चों पेनिसिलिन है वो एक एंटीबायोटिक होती है। सेकेरोमाइसिस सेरेबेसी एथेनॉल, ये बच्चों बिल्कुल यहाँ पे सही है कि ये जो सेकेरोमाइसिस सेरेबेसी है जो कि बच्चों यीस्ट होता है, इस यीस्ट के थ्रू बच्चों प्रोडक्शन किसका होगा, एथेनॉल का, ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट मैच है। एसिटोबैक्टर एसिटाई, बच्चों एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है उससे फॉर्मेशन एसिटिक एसिड का होगा, न कि एंटीबायोटिक का होगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर जो बच्चों करेक्ट मैच है, जो यहाँ पे करेक्ट मैच है वो बच्चों क्या हो गया, सेकेरोमाइसिस सेरेबेसी एथेनॉल, ये बच्चों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट, ए न्यू वैरायटी ऑफ राइस वाज पेटेंटेड बाय ए फॉरेन कंपनी, थ्रू सच वैरायटीज हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, दिस इज रिलेटेड टू लेरमा रोजो शरबती सोनारा। ये दो बच्चों यहाँ पर जो आंसर है, ये दो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ये बच्चों यहाँ पे इम्पॉसिबल है, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैरायटी ऑफ राइस, और देखो बच्चों यहाँ पे जो लेरमा रोजो शरबती सोनारा, ये जो बच्चों यहाँ पे दो वैरायटी है वो बच्चों राइस की वैरायटी है ही नहीं, ये तो बच्चों वैरायटी व्हीट की है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बासमती, ये बच्चों राइस की वैरायटी है CO667, बच्चों ये भी यहाँ पे राइस की वैरायटी है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि बच्चों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे बायोपायरेसी है, ये बायोपायरेसी हुई है बासमती राइस की। तो इसका जो करेक्ट आंसर बच्चों कौन सा हो गया, बासमती राइस इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इंप्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू By increasing the amount of, दूध के दही में रूपांतरण में इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होता है। तो बच्चों याद रखना, जब भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क को चेंज करता है कर्ड के अंदर, तो उस कर्ड में विटामिन B12 जो होता है, इस विटामिन B12 की बच्चों जो कंसंट्रेशन वो बढ़ जाती है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कर्ड है वो कर्ड ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज कर्ड के अंदर, क्योंकि दही के अंदर जो विटामिन B12 है, जो विटामिन B12 है, इसकी मात्रा बच्चों क्या होती है, ज़्यादा। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज के अंदर जो बायो कंट्रोल एजेंट है वो बच्चों यहां पे कौन सा हो सकता है, देखते हैं। एनाबिना, लैक्टोबैसिलस, ट्राइकोडर्मा एंड क्लोरेला। तो बच्चों यहां पर जो बायो कंट्रोल एजेंट है, जानते हैं बच्चों बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो उन ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं जो प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, इन्हीं ऑर्गेनिज्म को बच्चों हम लोग कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। और बच्चों यहां पर जो बायो कंट्रोल एजेंट है उसके फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं ट्राइकोडर्मा का। तो यहां पे जो मेन आंसर है, यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अनुचित कथन का चयन करो, बिल्कुल करेंगे। इन ब्रीडिंग सेलेक्ट्स हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ये जो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन है बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर भी यही होगा कि इनब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव, बच्चों वास्तव में जब भी इनब्रीडिंग होती है तो इनब्रीडिंग के अंदर बच्चों एक्सपोज होता है, इनब्रीडिंग के अंदर एक्सपोज होता है हार्मफुल रिसेसिव जीन का। तो बच्चों कहने का मतलब यहां पर यह है कि इनब्रीडिंग के अंदर हार्मफुल रिसेसिव जीन्स जो है बच्चों उनका एक्सपोजेस होता है, उनका बच्चों सिलेक्शन नहीं होता है। ये यहां पे स्टेटमेंट गलत हो गया, गलत ही आपको पूछा है। तो यहां पे आंसर हो गया फर्स्ट, इनब्रीडिंग हेल्प्स इन एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड इलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स। अंतः प्रजनन श्रेष्ठ जीनों के संग्रह एवं अवांछनीय जीवों के उन्मूलन में सहायता करता है।
बिल्कुल बच्चों, इनब्रीडिंग जब भी होती है तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सुपीरियर जीन है, जो बच्चों यहाँ पे श्रेष्ठ जीन है, उनका संग्रहण होता है, और जो बच्चों यहाँ पे अवांछनीय जीन है उनका बच्चों इलिमिनेशन होता है, अर्थात उनका उन्मूलन होता है। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। इनब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको होमोजाइगोसिटी करनी है तो उसके लिए आप उस प्लांट के अंदर बार बार ऑटोगेमिक कराते हो, आप बार बार उस प्लांट में स्व परागण कराते हो, अर्थात आप उस प्लांट के अंदर इनब्रीडिंग कराते हो। तो बच्चों यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इनब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवोल्व प्योर लाइन इन एनी एनिमल, बच्चों बिल्कुल सही है। जब भी इनब्रीडिंग होती है तो उस इनब्रीडिंग के अंदर बच्चों बार बार इनब्रीडिंग कराने से क्या होता है, बार बार इनब्रीडिंग कराने से प्योर लाइन जनरेट होती है। तो आप कह सकते हो यहां पे होमोजाइगोसिटी आती है, प्योर लाइन जनरेट होती है। तो बच्चों यहां पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो हो गया फर्स्ट, तो यहां पे आंसर भी क्या हो गया, फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, जैव नियंत्रण कारकों के सही विकल्प का चयन करो। ओसिलेटोरिया, राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा। बच्चों ओसिलेटोरिया ये जो यहां पर है ये एक बायो कंट्रोल एजेंट नहीं है, ये बच्चों यहां पर एक बायो फर्टिलाइजर है। राइजोबियम बच्चों ये जो यहां पर है ये भी एक बायो फर्टिलाइजर है जो सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ट्राइकोडर्मा बिल्कुल ये जो बच्चों आप यहां पर देख रहे हो ये यहां पर एक बायो कंट्रोल एजेंट है। नोस्टोक, एजोस्पाइरिलम बच्चों ये भी आप यहां पर जो देख रहे हो क्या है, बायो फर्टिलाइजर है। न्यूक्लियो पोलीहाइड्रोसिस वायरस ये बच्चों यहां पर बायो कंट्रोल एजेंट है। बेसिलस थुरिजेंसिस, टोबेको मोजेक वायरस, एफिड्स बच्चों यहां पर जो टोबेको मोजेक वायरस है ये टोबेको मोज़ेक वायरस कोई बायो कंट्रोल एजेंट नहीं होता है। ट्राइकोडर्मा बिल्कुल बेकुलो वायरस और बेसिलस थुरिजेंसिस यहाँ पे बच्चों फोर्थ ऑप्शन में तीनों जो यहाँ पे कंसीडर कर रखे हैं, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, बेकुलो वायरस और बेसिलस थुरिजेंसिस, ये तीनों जो बच्चों यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में यूज होते हैं, हम इनका जनरली यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो बच्चों हमने भी बात की थी कि स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है उसका फंक्शन तो ये होता है कि ब्लड वेसल के अंदर जो क्लोट है उस क्लोट को वहां से रिमूव करना। लाइपेज बच्चों लाइपेज का जो फंक्शन है वो बच्चों होता है लिपिड को डाइजेस्ट करना। साइक्लोस्पोरिन ए जो बच्चों साइक्लोस्पोरिन ए है ये जो बच्चों यहां पर है वो क्या करता है, ये इम्यूनोसप्रेसिव है, मतलब जो इम्यूनिटी है उसको बच्चों सप्रेस कर देता है। स्टेटिन बिल्कुल जो बच्चों यहां पे स्टेटिन है वो क्या करता है, ब्लड में जो बच्चों कोलेस्ट्रॉल है इस कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जो बच्चों कोलेस्ट्रॉल है इसका लोअरिंग एजेंट, तो यहां पर आंसर क्या हो गया, यहां पर बच्चों आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस, निम्न जैविकों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं से सुमिलित कीजिए। लैक्टोबैसिलस बच्चों लैक्टोबैसिलस जो है उसके थ्रू प्रोडक्शन होता है कर्ड का, तो बच्चों दही के निर्माण के लिए हम लोग काम में क्या लेते हैं, लैक्टोबैसिलस बैसिलाई। सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी मतलब यीस्ट, बच्चों यीस्ट जो है उस यीस्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, या जो बच्चों एथेनॉल है, या जो एथेनॉल है हम बच्चों उसका प्रोडक्शन भी यहां पे कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद में एस्परजिलस नाइगर, बच्चों एस्परजिलस नाइगर जो ये बच्चों यहां लिखा है मैंने एथेनॉल, एस्परजिलस नाइगर जो है इस एस्परजिलस नाइगर के थ्रू बच्चों फॉर्मेशन होता है सिट्रिक एसिड का। एसिडोबैक्टर एसिटाई इससे बच्चों फॉर्मेशन होगा एसिटिक एसिड का। अब अपने को बच्चों यहां पे दोनों कॉलम्स को आपस में मैच करना है, तो ए का बच्चों हो गया अपने पास में सेकंड, ए का सेकंड, तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, इनमें से कोई होगा। बी का बच्चों अपने पास में होगा फोर, बी का फोर। ओके, तो बच्चों अपने पास ये भी नहीं होगा, यहां पे फर्स्ट आ गया। सी का बच्चों अपने पास में होगा थर्ड, सी का थर्ड, ये बच्चों यहां पे आंसर आ गया। और डी का बच्चों यहां पे क्या होगा, फाइव,
तो बच्चों डी का अपने पास में यहाँ पे हो गया 5। तो अपन कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बच्चों क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया इस तरीके से 4th ऑप्शन। ये बच्चों हमने यहाँ पे इस तरीके से डिस्कशन किया था इस क्वेश्चन का, और एप्लीकेशन ऑफ बोटनी के जो भी क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ बोटनी के जो भी क्वेश्चन नीट 2013 से 2019 तक आए हैं उनका बच्चों हमने डिस्कशन किया है। ओके, थैंक यू।